अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने वेबसाइट्स पर कुकीज़ टर्न ऑन करेंगे, इनेबल करेंगे। कुकीज़ क्या होती है? जब भी आप कोई वेबसाइट गूगल पर सर्च करते हैं या गूगल क्रोम पर सर्च करते हैं या किसी और ब्राउज़र पर सर्च करते हैं, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुकीज़ टर्न ऑन या आप अलाउ करते हैं, ठीक है, उसको ब्लॉक करते हैं। तो जब आप उसको ब्लॉक करते हैं तो वो वेबसाइट, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो काम करना छोड़ देती है, वहाँ पर आपको ब्लैंक पेज देखने को मिलता है। और अगर आपको वही वेबसाइट देखना है या वहाँ से कुछ रीड करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो फिर वो आप नहीं कर पाते। तो इसी वजह से आपको कुकीज़ टर्न ऑन करना होता है, आपने उसको इनेबल करना होता है। तो आपने इसको किस तरह इनेबल करना है? आपने सिंपली यहाँ पर गूगल क्रोम में आ जाना है। मैंने एक वेबसाइट सर्च करके रखे हैं, ठीक है, जो कुकीज़ के बग़ैर नहीं चलता। आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ब्लैंक है, ठीक है। तो जब हम इस पर कुकीज़ ऑन करेंगे तो उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपने इस एरो पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ये एरो नहीं हो तो आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक कर देना है, वहाँ से भी आपको ये सेटिंग मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइट सेटिंग्स, ये आप देख रहे हैं, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है कुकीज़, आपने उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्लॉक ऑल कुकीज़ नॉट रिकमेंडेड, हमने ब्लॉक करके रखा है ऑल कुकीज़ को जो रिकमेंडेड नहीं है। तो आपने करना क्या है कि ऊपर से दूसरे नंबर पर जो है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकोग्नेटो। तो जब आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो जो थर्ड पार्टी ऐप होंगे जिस वेबसाइट को यानी आप रेगुलर यूज़ नहीं करते, तो वह उस वेबसाइट पर आपको कुकीज़ या देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जो वेबसाइट आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ये जो है कुकीज़ मिलेगी। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ से बैक कर देना है, ठीक है। बैक करने के बाद हम यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं और आपको अभी ये देखने को मिल जाएगा कि हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा आ गया है, कुकीज़ के बग़ैर जब हमने टर्न ऑफ किया था तो हमारे पास ये डेटा नहीं आ रहा था और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो आपने सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को आपने लाइक कर देना है। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।